हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर में छात्रों में छिपी वैज्ञानिक सोच को सामने लाने के उद्देश्य से विज्ञान एवं गणित मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 8वीं तक प्रदर्शनी शुभारंभ विद्यालय प्रधानाचार्य नैना लखनपाल व प्रधानाचार्य एकेडमिक डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने किया। नन्हे होनहारों ने गणित में पाइथागोरस प्रमेय, वृत्त के विभिन्न भाग, कोणों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के बहुभुज, वर्गमूल और घनमूल, क्षेत्रमिति, पाई चार्ट, विभिन्न खंड, बढ़ते घटते क्रम आदि विषयों के बारे में बताया। साथ ही विज्ञान में उन्होंने वर्षा जल संरक्षण और मंडल, मानव शोषण तंत्र, डीप इरिगेशन, प्रदूषण, गरों के प्रकार, जल चक्र, सौर भवन जीवों के आवासीय स्थान, कोशिका के विभिन्न आकार आदि विषयों पर बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत भी किए एवं सभी को चकित कर दिया। अपने विज्ञान एवं निर्देशन में छात्रों ने बेहतरीन कार्य किया एवं सबकी प्रशंसा भी बटोरी। विद्यालय प्रधानाचार्य नैना लखनपाल एवं अकेडमिक प्रधानाचार्य डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने सभी अध्यापकों एवं छात्रों को इस सफल आयोजन की बधाई दी। हमीरपुर में ओवीसी बैंक के समीप कूड़े की समस्या गहराती जा रही है और कूड़ा करकट समय पर नहीं उठाए जाने से लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। हालांकि नगर परिषद को भी कई बार फोन पर शिकायत की जा रही है, लेकिन फिर भी कूड़े को नहीं उठाया जा रहा है। बैंक के समीप ही खाली जगह पर ईवीएस कंप्यूटर संस्थान के बाहर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, जिस वजह से आसपास के दुकानदारों को भी कूड़े की समस्या से जूझना पड़ता है। एवीएस कंप्यूटर संस्थान के प्रबंधक चंद्रशेखर त्यागी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से संस्थान के बाहर कूड़े की समस्या बनी हुई है और बार बार शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि कूड़ा बिखरा होने से संस्थान में आने जाने वाले छात्रों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रोजाना सफाई की जाए या फिर यहाँ पर कूड़ेदान को रखा जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। साई इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में समाज सेवी विनोद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर बच्चों ने जुडो कराटे का प्रदर्शन कर आत्मरक्षा की तकनीकों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में स्कूल की मैगजीन का विमोचन भी किया गया। राजस्थानी नाटी भंगड़े ने सभी का दिल जीत लिया और दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन रविंद्र वावा ने बताया कि ये कार्यक्रम जीवन के रंग थीम पर आधारित था, जिस पर बच्चों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को नृत्य और नाटक के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने इस मौके पर सभी विद्यार्थियों के मंगल भविष्य की भी कामना की।